राजस्थान में मौसम में हुए बदलाव से तापमान के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ कोहरे के प्रकोप से राजस्थान पिछले 6 दिन से ढका हुआ है, वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश भी होती हुई नजर आएगी। पिछले 24 घंटों में जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा दर्ज किया गया है। कोहरे के प्रभाव से अधिकतम तापमान औसत से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है। सबसे कम अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 12.5 डिग्री से 7.4 डिग्री कम, जबकि पूर्वी राजस्थान पिलानी में 12.9 डिग्री दर्ज किया गया है। सीकर और बीकानेर जिलों में भी शीतलहर दर्ज की गई है। आइए जानते हैं आने वाले 2 दिन में मौसम कैसा रहने वाला है और विभाग ने क्या चेतावनी दी है। अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के मौसम में हुए बदलाव से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 7 जनवरी शनिवार को उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों में 8 से 9 जनवरी को बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। तो प्रदेश में जारी रहेगा घने से अति घना कोहरा। राज्य में आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर और उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर घने से अति घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रिपोर्ट की जा सकती है। 6 जनवरी शनिवार को भी कहीं कहीं घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राज्य में मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान कुछ भागों में अधिकतम तापमान औसत से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे जारी रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी भागों में 5 और 6 जनवरी को शीत दिन दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अति शीत दिन दर्ज होने की भी संभावना है।